स्वर्ग कितना सुंदर जगह है, वर्णन से भी बाहर है ना। जब तक अपन स्वर्ग नहीं पहुंचा तब तक हमें उसकी आशा में एक सच्चा तैयारी मन के साथ रहना है। इसलिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ, प्रभु ने और भी एक दिन हमारे आयु में जोड़ दिया। प्रभु के पवित्र उपस्थिति में हम आकर के मिलकर प्रभु के नाम को महिमा करें। आज भी हमें मिला हुआ समय पूर्ण रूप में वचन के द्वारा, क्योंकि प्रभु को हमें हमसे जो भी बात करना है प्रभु वचन से बात करता है। प्रियो, आप स्वर्ग में रहने के लिए चाहता है तो वो आग्रह का एक छोटा सा भाग दुनिया में भी चाहिए। दुनिया में रहने के समय में जो व्यक्ति प्रभु के साथ नहीं रहना चाहता तो फिर स्वर्ग में कैसे रहेगा? इसका मतलब एक व्यक्ति एक्चुअली ये जो गीत गाने वाला अगर वो दिल से गा रहा है तो अपने आप को पूछेगा, क्योंकि स्वर्ग का महत्व क्या है? प्रभु यीशु मसीह है। स्वर्ग को स्वर्ग बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह, बोलने का अर्थ यीशु मसीह की उपस्थिति ही हमें वो बात को स्वर्ग बनाता है। ऐसे है तो ये जीवन में भी हमें वो प्रभु का सानिध्य चाहिए ना। बिल्कुल, मैं आग्रह करता हूं आज इस विषय में प्रभु हमें अच्छा गहराई में प्रकाश डाले। बहुत प्रार्थना के साथ आज का हम वचन ध्यान में जाएंगे। आधार के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 73:28 उसका शुरुआत का भाग। भजन संहिता 73 उसका 28। परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। बस ये तो गिर गया है। यहाँ पर प्रभु का भक्त आसाब कहता है प्रभु का निकट रहना यही तो मेरे लिए भला है। प्रियो, ये कितना अनमोल बात है। आज हम में से कितने लोग ये कह सकता है कि मुझे प्रभु के साथ कितना निकटता है, मैं प्रभु का कितना निकट रहता हूं, कितना किलोमीटर दूरी में रहता हूं? देखिए, हरेक लोग ये बात को पार करना पड़ेगा। मैं कहां तक प्रभु के निकट रहना चाहता है, प्रभु की निकटता मुझे अच्छा लगता है क्या? देखो, कई बार कई लोग संगति भी मिलता है तो संगति में हमेशा हम प्रभु का निकटता को बहुत गहराई में अनुभव करता है ना। पर तो बहुत बार लोग संगति की मौका होने पर भी संगति से दूर जाता है। कारण क्या है? क्योंकि वो वास्तव में अपनी कृत्य के द्वारा ये गवाही दे रहा है, मैं प्रभु से इतना अच्छा नाता रखने के लिए नहीं चाहता, मुझे प्रभु का इतना ज्यादा जरूरत नहीं है। देखो प्रियो, एक व्यक्ति यदि प्रभु को चाहता है तो वो कभी भी मतलब जो संगति है वो संगति से दूर रह नहीं सकता। संगति के प्रति उनका दिल तड़पेगा, प्रभु को सुनने के लिए प्रभु को जानने के लिए उनका दिल तड़पेगा। अभी आपको मालूम है जब बैतनिय्याह में प्रभु यीशु मसीह कभी भी जाता था तो उनका मित्र लाजर के घर में जाता था। लाजर के घर में जाने के समय में वहां पर लाजर के दो बहने, आपको सबको मालूम है, मार्था और मरियम। तो मार्था का नाम पहले आने के कारण मार्था बड़ी होगा है ना, तो मरियम छोटा है। अभी आपको मालूम है जब एक बार जब उधर गया, सबको मालूम है लूका का सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 39 वचन पढ़ना। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। देखा, मतलब शुरू में मार्था का नाम है, बाद में मरियम का नाम आया। मरियम क्या किया? घर में आते ही प्रभु के उपस्थिति में आकर बैठ गया। अब देखो प्रियो, मरियम, अरे अभी आ गया तो चलो इनके लिए कुछ खाने पीने के लिए बनाता है ना, कुछ ऐसे करता है, ऐसे नहीं सोचा। वो एकदम प्रभु का पास स्थान में आकर बैठ गया। प्रियो, ये एक बड़ी बात है। हमारे जीवन में मिलने वाला समय हम कितना समय प्रभु की उपस्थिति में बिताता है। आज का दिन को देखो, आज का दिन की पूरा समय में अपने जीवन में प्रभु ने हमको बहुत अवसर दिया, और तो कितना टाइम
मैं प्रभु की उपस्थिति में बिताया, प्रभु के साथ बातें किया, प्रभु का वचन पढ़ने के लिए या मतलब प्रार्थना करने के लिए है, मैं कितने समय प्रभु के साथ बिताया। प्रियो अभी मार्था कंप्लेन किया, लेकिन वहां पर उसका 42 वचन आपको सबको याद है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो जिसे उसे चिना न जाएगा। देखा, उसे चिना नहीं जाएगा, मरियम ने अच्छा हमसे चुना। देखिए प्रभु के गवाही है प्रियो, आज जिंदगी में आज के दिन का सबसे अच्छा हमारा अनुभव आपने चुना। शायद इधर आने के लिए कई लोगों को कई प्रकार का रुकावट होगा, कई और भी काम होगा, लेकिन उन सारे कामों को छोड़कर आप प्रभु को बस्ती में आया। आपने प्रभु बोलेगा, तूने मेरे खातिर अच्छा भाग चुना। आज इस समय में चुनौती में आप प्रभु का दृष्टि में एकदम मन भाग्यवान है, धन्य व्यक्ति है। प्रियो प्रभु की उपस्थिति में आया क्यों? प्रभु की उपस्थिति में आने वाला व्यक्ति प्रभु से कुछ प्राप्त करना है ना। जब अनुवाद व्यवस्था विवरण 33 अध्याय उसका तीसरा वचन की आखिरी बात, अनुवाद व्यवस्था विवरण 33 अध्याय का तीसरा वचन की आखिरी बात, वे तेरे पांव के पास बैठे रहते हैं, एक एक तेरे वचनों से लाभ उठाता है। देखा प्रियो, प्रभु की उपस्थिति में आए हुए लोग प्रभु की वचन पा करके उसका लाभ उड़ाना, बहुत सुंदर बात है। प्रभु का उपस्थिति में हम क्यों आते हैं? प्रभु की वचन का लाभ उड़ाने के लिए आता है। देखा प्रियो, आज भी मैं प्रभु की उपस्थिति में आया है तो प्रभु की वचन की लाभ उड़ाने के लिए आया क्या? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु इस वचन को प्रकाश करके देगा, उस प्रकाश के अनुसार आप चलेगा, तभी आप लक्ष्य स्थान में प्रभु हमारे बारे में जो चाहता है वहां पर पहुंच पाएगा। बहुत बड़ी बात है। उसके साथ एसकेल भी किताब उसका तीसरा अध्याय का 10 वचन भी पढ़ना, एसकेल उनका 3:10। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जितने वचन मैं तुझसे कहूँ वे सब हृदय में रख। देखा क्या करना? हृदय में रखना और कानों से सुन। हाँ, मैं कान लगा कर सुनना। देखा बहुत बड़ी बात है प्रियो, ये प्रभु का वचन। कई बार मैं काम पर आया, अभी मेरा यहाँ पर कार्य क्या है वो बात को भी लोग भूल जाते हैं। प्रियो हम पहली बात प्रभु का वचन प्राप्त करने के लिए आया, तो हमारे और आने वाला वचन को जाने नहीं देना। एकाग्र दिल के साथ वचन को हमें मतलब ध्यान से सुन करके हृदय में उसको बैठाना है, हृदय में बैठाना। बहुत बार जब प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में मनुष्य बनकर जब आया, यीशु मसीह के बारे में पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ एक बात जानने वाले यहूदी लोग, पवित्र शास्त्र में अनंत जीवन की बात है और वो अनंत जीवन आज हमारे बीच में आ गया, ये बात को उन्होंने जानने पर भी जीवन पाने के लिए यीशु मसीह ने एक कंप्लेन रूप में वो बात बताया। यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय उसका 39:40। देखा फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहता। देखो कितना भयंकर बात है प्रियो, यीशु मसीह के पास क्यों आना है? जीवन पाने के लिए। देखो आज हम लोग जो भी यहां पर ये वचन प्राप्त करने का अर्थ भी क्या है, वचन क्या है? जीवन है, जीवन ना। मतलब प्रेरितों का 5:20 में स्वर्गदूत प्रेरितों को बोलता है, ये जीवन की वचन है, लोगों को सुनाओ जीवन की वचन। कितना बड़ी बात है प्रियो, ये वचन जीवन की वचन है। वचन जो प्राप्त होगा उसको अनंत जीवन प्राप्त होगा। कितने लोग समझता है ये अनंत जीवन का वचन है? वही बात यीशु मसीह ने यूहन्ना 6 अध्याय का 63 वचन में भी कहा, जो वचन मैंने तुमसे कहा ये आत्मा और जीवन है, जीवन। देखो आत्मा प्राप्त करने के लिए
जीवन प्राप्त करने के लिए प्रभु ने हमारे लिए रखा हुआ मार्ग है वचन को ग्रहण करना। ये वचन हमारे पास आता है वो वचन को ग्रहण करना। हम लोग नया जन्म कैसे पाया? वचन के द्वारा। हाँ, पहला पत्रोस पहला अध्याय 23 वचन में, क्योंकि तुमने नाशवान अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। देखा भियों जीवित वचन, सिर्फ हमें जीवन देने वाले नहीं उससे बढ़कर के वो जीवन के वचन है, सदा ठहरने वाला, कभी भी नाश नहीं होने वाला। ओ अच्छे, हम लोग जो सुनता है ये वचन का भाव तुम्हें कितने लोग जानता है, है? लेकिन तभी भी बहुत लोग प्रभु के पास आने के लिए उत्साह नहीं। उसका कारण क्या मालूम है? देखो, सारे बात जानने वाला परमेश्वर के वचन में ऐसा एक आईना में हम अपने आप को देखता है, वैसा हरेक लोगों का अवस्था बजा कर रखा है। हरेक बात योगन का समाचार 3:20 लॉर्ड जीसस, हाँ, जो कोई बुराई या पाप में जीवन भी जाता है वह ज्योति से डर रखता है। हाँ, देखा, ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाए जाए। देखा, एक पाप में जीवने वाला व्यक्ति कभी भी प्रभु के वचन को सुनने के लिए चाहता नहीं। आज बहुत लोगों को वचन सुनने का भूख प्यास नहीं, वचन के सामने बैठने के टाइम पर भी उनका ध्यान इधर उधर रहेगा, वचन पर ध्यान नहीं रहेगा। कितना दुखदायी बात है, क्योंकि उनका जीवन का गलतियों को प्रभु का वचन प्रकट करेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। कितना भयंकर बात है भाई, है ना? इसलिए आज जो लोग भूख और प्यास, होशाया नबी में एक ऐसा वचन है, होशाया 5:4, होशाया 5:4, उनके काम अपने परमेश्वर की ओर फिर नहीं देता। क्यों? देखा, वे लोग बुरे काम में रहता है। जो व्यक्ति बुरे कामों में जीवन बिताता उसको परमेश्वर की ओर फिरने नहीं देता। क्यों? वचन कितना सत्य है, हमें ये सत्य वचन को कैसे थामा रहना चाहिए प्रियो, है? आज जो लोग मतलब एक बार वचन सुनने के बाद दोबारा सुनना नहीं चाहता, क्योंकि उनको मालूम है ये सत्य वचन है, ये सत्य वचन है, इस वचन को मुझे मानना पड़ेगा, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं, वो अपने बुराइयों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। कितना दुखदायक बात है प्रिय, कितना दुखदायक बात है। वचन सुनने के लिए भी बुलाएगा तो है वो दूर दूर भागता है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं प्रियो, आज जो व्यक्ति प्रभु के साथ चलेगा वही स्वर्ग में भी चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज यहां पर जो प्रभु के साथ चलेगा वही स्वर्ग में भी चलेगा, नाता मरने के बाद नहीं जोड़ सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दिन बाटिका में आदम हुआ प्रभु के साथ चला, एदन बाटिका में आदम हुआ प्रभु के साथ चला, और रोज एक इवनिंग वॉक के लिए प्रभु एदन में आता था। एदन का अर्थ क्या है? आनंद, आनंद। वो बाटिका में बड़े आनंद था। आपको मालूम है प्रभु के लोग आनंद रहने में जलसी करने वाला एक व्यक्ति है, कौन है? शैतान। प्रभु के लोग आनंद दे तो उनके जीवन में कैसा गड़बड़ी डालू, ये शैतान की रचना है। कुछ ना कुछ आप ऐसे भी वचन में मनन रहेगा, मगन रहेगा, मनन करते करते मगन रहेगा, वहां पर गलत विचार ला करके आपको निराश में डुबा देगा। आप दुखी रहना चाहता है तो उसको बहुत शांति है, और जो आप आनंद रहना चाहता है तो उनको बहुत जलसी है। कई बार आपने देखा होगा कुछ ऐसा शैतानी का अभिषिक्त लोग भी रहता है बीच में मंडली में, प्रभु के लोग आनंद बनाते हैं तो दूसरे को उसको रहता है इतना आनंद क्यों, क्योंकि उनमें वो दूसरा आत्मा काम कर रहा है। प्रभु के लोगों की आनंद देख करके उनको जलसी आता, गुस्सा आता है, क्यों इतना आनंद, क्यों हम प्रभु के जन नहीं था। देखो,
मैंने समझ में आया ना, आत्मा कौन सा है? हाँ प्रियो, इसलिए प्रभु की आत्मा में अभी एदन वाटिका में आदम को वेट करता था। अभी आपको मालूम है अपन आर्मी के लोग दूर से आने के टेबल मार पड़ता, क्योंकि उनका पाँव में छू रहता है, टक टक आवाज आता है ना। मतलब मैं कभी भी गांव जाता था ना, मतलब हमारे मेरे पास एक मतलब बाहर से मिला हुआ एक शू था, एकदम अपना बाचा का शू से भी अच्छा, लेकिन चलने के टाइम पर आवाज आए, रात के टाइम पर आवाज दूर आता है, तो लोग बोलते हैं वो पक्का, क्योंकि वो चाल कैसा है आर्मी का चाल, बोलते हैं कि वो जा रहा है, वो आवाज से भजन लेता है। ऐसा एदन वाटिका में प्रभु चलने की आवाज सुन करके आदमों को भाग कर जाता था। अब सोचो वो कैसे था, है ना। लेकिन एक दिन जब प्रभु आया, रोज भाग करके आने वाला आदम हुआ भाग करके दूर जा रहे। आप देखो है ना, उत्पत्ति 3:8-10। पाप हमेशा क्या रहता, डर लाता है। देखो अभी भी हर कोई भी प्रकार का डर रहेगा तो आप जानना कोई ना कोई प्रकार का पाप रहता है। जहां पर पाप है वहां पर डर है। देखो आपको मालूम है जब पहले 4:18 में लिखा है सिद्ध प्रेम डर को दूर करता है। सिद्ध प्रेम किसका है? प्रभु का। मतलब प्रभु का प्रेम अगर आपने अपने आत्मा में पाया है तो, या प्रभु की आत्मा पाया है तो, वो पाया हुआ प्रेम आपका डर को क्या कर दिया? दूर कर दिया। क्योंकि सबसे आखिरी शत्रु दुश्मन कौन है? मृत्यु है। और उस मृत्यु का डर से लोगों को शैतान फंसा कर रखा था। प्रभु ने क्या किया? मृत्यु पर विजय पा करके मृत्यु की उस डर की दासत्व में फंसे हुए लोगों को आजाद किया। इब्रानियों 2:14-15 देखिए, मैं हर एक वचन नहीं पढ़ाऊंगा, आप लिख कर रखो और बाद में उसको पढ़ाई करो। बहुत बड़ी बात है ना, इब्रानियों 2:14-15। ओके, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे समान मनुष्य बनकर दुनिया में आकर हम सभी लोग जो मृत्यु के पाप की मजदूरी मृत्यु के गुलाम थे, उस गुलाम सिर्फ नहीं उसका डर भी थे, उसे प्रभु ने हमें छुड़ाया। आप देखिए प्रभु, अभी यहां पर हम देखते हैं कि उधरी आदम हुआ प्रभु के साथ चलता था, और जो अभी प्रभु से लोग दूर हो गया, प्रभु के साथ चलने वाला प्रभु की संगति से दूर हो गया। कौन दूर किया? चेतन बाप। कौन दूर किया? बाप। देखो आज भी आपको मालूम है प्रभु में आने के बाद में भी बहुत लोग प्रभु के साथ नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? पाप। प्रियो, प्रभु ने हमें पाप करने के लिए यह दुनिया से अलग नहीं किया, क्योंकि रोमियो 6:14 में क्या लिखा? उधार पाए हुए लोग, ये बात को बहुत स्मरण रखना, रोमियो 6:14। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं पर अनुग्रह के अधीन हो। देखा, अभी तुम्हारे ऊपर पाप की प्रभुता नहीं होगा। देखा, भाव प्रभुता ना करे। प्रियो, में जीवन में राज करना है, जीवन हमारे में राज करना। कौन सा जीवन? प्रभु यीशु मसीह। हमारे जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह, है ना। वो तो रोमियो 5:17-21 ये दोनों वचन में लिखा है। रोमियो 5:17-21 ये भी बढ़िया है। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान
बहुत ऐसे पाते हैं कि एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेगा। देखा, अनंत जीवन उस पर राज करेगा। बहुत बड़ी बात है प्रियो, अनंत जीवन राज करता है। आज उद्धार पाने के बाद में हमारे जीवन में वो अनंत जीवन राज करता है कि नहीं, ये बात को परखना। तो बोले करते पहले बात ये दिन बाटिया के अंदर प्रभु के साथ चलता था, पर तो अभी बात बिगड़ गया, अभी साथ में चल नहीं सकता क्योंकि पाप ने उनको दूर कर दिया है ना। कितना माइक्रो बात है, जब यशया 59 का एक दो वचन, यशया 59 का एक दो, अलग कर दिया अधर्म का काम। पाप हमेशा प्रभु के साथ चलने में से दूर कर देता है, अलग कर देता है। इसका मतलब ये दिन बाटेगा के अंदर प्रभु के साथ चलने वाला बात अलग कर दिया, लेकिन हम देखते हैं ये दिन बाटिका के बाद एक व्यक्ति प्रभु के साथ चलने लगा। ये दिन बाटिका के बाहर एक व्यक्ति प्रभु के साथ चलने लगा। उत्पत्ति 5:22-24 24 परमेश्वर के साथ साथ चलता था, वह फिर लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। देखिए ये दिन बाटिका में माधु बाबा प्रभु के साथ चलता था, अभी ये दिन बाटिका के बाहर एक व्यक्ति 300 साल प्रभु के साथ चला। आप देखिए प्रियो, उसका बारे में लिखा है कि वो लोप हो गया। उस समय में 950, 960, 959 ऐसे ऐसे साल जीते थे, और उस समय में सिर्फ 365 साल की उम्र में अनोक लापता हो गया। क्या हो गया? प्रभु उसको लेकर गया है ना। आप देखिए क्यों, क्योंकि वो प्रभु के साथ चला, सिर्फ साथ चला, इतना नहीं। जब इब्रानियों 11 उसके 5 और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उनके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। हाँ प्रियो, उठा ले जाने से पहले जीते जीते उसने ये गवाही पाया कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। प्रियो, अनोक परमेश्वर को प्रसन्न किया। देखिए ये दिन बाटिका से बाहर प्रभु के साथ चलकर परमेश्वर को प्रसन्न किया, इसलिए अनोक उड़ा लिया गया। कितना धन्य बात है। इतने नहीं प्रियो, ये सारा दुनिया पाप और बुराई में डूब गया था, ऐसे समय में भी एक व्यक्ति प्रभु के साथ चला, नूहा। उत्पत्ति 6 उसका 11-12 वचन, उस समय धूप भी परमेश्वर के दृष्टि से बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी, और परमेश्वर ने धूप पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ गई, बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने देखो, सारे प्राणियों ने, सारे मनुष्य ने अपने अपने चाल चलन बिगाड़ दिया, और उसके बीच में एक जन, उसका नाम वजन परमेश्वर के साथ चलता रहा। सारी दुनिया बिगड़ गया और एक जन, देखो प्रियो, एक जन वो परमेश्वर के साथ साथ चलते रहा। देखा है, बहुत मेजोरिटी प्रभु को छोड़ करके दुनियादारी में पाप में जीवन बिता करके उसमें खुशी मनाते थे, पर ये एक छे परमेश्वर के साथ साथ चलते रहा। उसका बारे में नया नियम में पत्रोस बोलने के टाइम पर बोलता है, धर्मी प्रचारक, दूसरा पत्रोस 2:5 2 पत्रोस 2:5 धर्म की प्रचारक नूहा
नोआ कौन है? धर्म का प्रचारक था। देखा, धर्म का प्रचारक बोलेगा तो परमेश्वर ने जो कहा वो होगा बोल करके विश्वास के साथ दुनिया को वो बात बताते आया। परमेश्वर ने नोआ को क्या बोला? इब्रानियों उसका 11:7, इब्रानियों 11:7 विश्वासी से उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसके संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। देखो कितनी बड़ी बात है। अरे वो समय तक ये दुनिया में कभी बारिश नहीं बरसा, लेकिन प्रभु ने बोला मैं बारिश भेजेगा, सारे दुनिया इस पानी में डूब जाएगा, परंतु तू अपनी घर की बचाव के लिए एक जहाज बना रहा। देखो इसके बारे में कुछ भी सवाल ना पूछते हुए प्रभु ने कहा है तो ये होगा, ये विश्वास किया। बहुत बड़ी बात है भैया, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु एक शब्द कहेगा तो वो होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है ना। आज बहुत लोगों के जीवन में मतलब प्रभु कार्य क्यों नहीं करता मालूम है? उनको प्रभु का कहा हुआ बातों पर विश्वास नहीं। क्या नहीं? विश्वास नहीं। एक बात याद रखना प्रभु, प्रभु का वचन में दूसरा कुरिंदी 5:20 में लिखा है, दूसरा कुरिंदी 5:20 क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में आपके साथ है। देखो जितनों भी प्रतिज्ञा है वो सब आपके साथ है। बोलने का मतलब जितनों भी प्रभु ने वायदा किया प्रभु वो सारी वायदा पूरा करेगा, परंतु आपके जीवन में वो वायदा पूरा होना है तो एक सिग्नेचर चाहिए। क्या चाहिए? एक सिग्नेचर। अभी आपको कोई आपको एक चेक देगा है 10 लाख रुपया है, ये 10 लाख रुपया चेक आप जाकर के बैंक में देगा, बैंक वाला बोलता है अच्छा ओके 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 चेक ओके, बैंक साइड में एक साइन करूं, क्या बोलता? साइन नहीं करेगा, मैं साइन नहीं करेगा, ठीक है चेक लेकर जाओ, नहीं मिलेगा। 10 लाख चाहिए क्या? साइन करो, नहीं साइन करेगा, जाओ चक्कर के जाओ, पैसा नहीं मिलेगा। आपके लिए वायदा करोड़ों का है, सब वायदे ओके है, साइन करना। साइन करने का अर्थ क्या है? वही वचन पढ़ो वापस एक बार, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की हमारी तरफ से एक आमीन बोलना वो ऐसा ही। समझ में आया? प्रभु ने जो कहा वो सत्य है, इतना ही करना एक सही। समझ में आया? हम लोग आमीन नहीं बोलते किसी कारण, आमीन नहीं बोलते क्योंकि हमारे इतना तगड़ा विश्वास है। प्रियो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, अगर हमारे जीवन में प्रभु का वचन सब वायदा है सब सच्चे, एक भी प्रभु की वायदा अधूरा नहीं रहेगा। प्रियो इसराइल के बारे में जितना वायदा किया एक भी अधूरा रहा नहीं, नहीं। फिर हमारे लिए रहेगा कदा भी नहीं। अरे मंडली क्या प्रभु का प्रिय है, क्या बात बताओ आपको है। तो अभी सबसे बड़ी बात क्या है कि मतलब प्रभु का मतलब हृदय खोल कर देखेगा तो मंडली एक तो हृदय में ऐसा भरा हुआ है, इतना प्रभु का हृदय की बात है मंडली, वाह 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 वाह। फिर भी लोग मतलब प्रभु पर विश्वास नहीं करते, कितना दुख भाई लगता है। तो यहां पर हम देखता है कि एदन बगीचा में आदम हुआ प्रभु के साथ चला, एदन के बाहर में आनोक प्रभु के साथ चला, और पूरे संसार में कुड़िल पीढ़ी में एक नोहा प्रभु के साथ चला। प्रभु को प्रसन्न किया, नोहा जहाज बनाया, किस लिए बनाया? पहला पत्रोस 3:20 ओ प्रभु यीशु इन्होंने उस समय में आज्ञा न मानी जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर कर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था जिसमें
बैठकर थोड़े लोग अर्थात आठ प्राणी पानी के द्वारा बच गए। कितने लोग बच गया? सिर्फ आठ लोग। नोआ, उसका पत्नी और हाम, शाम, यापेत, तीन बेटा और उनका पत्नी। देखा, आठ लोग सिर्फ बच गया। आप देखिए कितना बड़ा बात है। प्रभु का वचन हमें विश्वास करना पड़ेगा। अभी हम लोग कौन से समय में है? नोह का काल का जैसा समय में। प्रभु का आगमन कब है? यीशु मसीह ने बोल कर गया ना, लूका का सुसमाचार 17 अध्याय उसका 26-27 वचन। देखा, नूह का दिनों में हुआ ऐसा मनुष्य का पुत्र के आगमन में भी होगा। देखिए, जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया। देखा भाई, अब देखिए अभी लोग क्या करता है। नूह का दिन के जैसा आओ खाओ पियो ऐश करो, मतलब प्रभु छोड़ो अपना कैसे भी मनमानी, एक भयंकर अवस्था। प्रभु के पास जाने के लिए, प्रभु की वाणी सुनने के लिए, प्रभु की बात को मानने के लिए लोग तैयार नहीं। कितने एक बिगड़ा हुआ समय में हम लोग हैं प्रियो, कितना भयंकर समय है ना। लेकिन अभी भी प्रभु का वाणी है। क्या बात मालूम है? याकोब अपने पत्री में बोलता है, याकोब 4:8, याकोब 4:8। क्या करना? प्रभु के निकट जाओ प्रियो, प्रभु के निकट जाओ, प्रभु से दूर मत भागो। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी कई लोगों को संगति में बुलाता है, आते हैं ये निकल जाता, प्रभु के निकट नहीं आता। नहीं आते नहीं बोलेगा, आते हैं लेकिन निकल जाते हैं। प्रियो एक बात जानना, इस पीढ़ी में भी प्रभु प्रभु के साथ चलने के लिए लोगों को बुला रहा है। अभी आपको मालूम है प्रभु के साथ चलना है तो आमोस 3:3 आपको मालूम है, जब तक जो दिन एक मत नहीं होगा साथ में नहीं चल सकता, साथ में नहीं चल सकता है ना। तो प्रियो हमें एक मत होना है, एक मत होना है। तो आज प्रभु के साथ हमारा निकटता का दक है। आसाब तो बोला प्रभु के निकट रहना मेरे लिए अच्छा है। और तुम्हें आपको बताना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनना है, मैं कितना तक प्रभु के निकट है वो किस बात से आधारित है आपको मालूम? वो एक रिश्ते के आधारित में है। मैं कितना तक प्रभु से निकटता में है वो बात किस पर आधारित है? नाता या रिश्ता, नाता या रिश्ता। देखिए, अगर हमें प्रभु के साथ में कितना निकट हूं करके जानने के लिए, खास करके मैं तीन नाता मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना है। प्रभु के लोग, प्रभु के साथ का नाता, क्योंकि हम प्रभु से कितना निकट है ये बात को प्रकट करता है। पहले बात गुरु और शिष्य, क्या है? गुरु और शिष्य, गुरु और शिष्य बनना है तो इसमें एक अच्छा समर्पण चाहिए, एक अच्छा समर्पण चाहिए। समर्पण के ऊपर इसमें विजय है, बहुत बड़ी बात है प्रियो, है क्योंकि इस दुनिया में एक ही मात्र गुरु है, ये प्रभु या यीशु मसीह गुरु बनकर मिलना पड़ेगा, तो इससे बड़ा बात कुछ भी नहीं है। तो यीशु मसीह गुरु और हम उसके चेले, ये बात बड़ी बात है। उसके लिए क्या चाहिए? एक संपूर्ण समर्पण। क्योंकि आपको मालूम है जब लूका का सुसमाचार 14 का 26-27 वचन, लॉर्ड जीसस, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। ये सब शब्द आप बहुत ध्यान से सुनना। उसके साथ तो मत्ती के सुसमाचार उसका 10 का 37-38, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वो मेरे योग्य नहीं। देखिए यहाँ पर एक बात को जानना है, क्लियर प्रभु एक बात बोलता है कि तू सबसे बढ़ करके अगर मुझे प्यार करने के लिए तैयार नहीं है तो मेरा चेला बनने का
योगी नहीं, इतना ही नहीं, तू मेरे लिए मरने के लिए तैयार नहीं है तो तू मेरे लिए योगी नहीं, क्योंकि जो अपना प्राण को भी मेरे लिए नहीं दिया तो प्राण को भी अपने जाने कर से क्या प्रभु के लिए प्राण देना। आप लोग सही दीदी में समझ रहे हैं क्या? देखो अभी तक आप बोलता है ना मैं विश्वासी है, क्या विश्वासी है, अभी कुछ टेस्ट नहीं, कोई टेस्ट नहीं, तो ये गुण नहीं है ना, स्टैंडर्ड नहीं। एक विश्वासी का अर्थ, एक चेहरे का अर्थ क्या है? प्रियो वो सबसे बढ़कर के प्रभु को प्रथम स्थान देता है, साथ ही साथ प्रभु के लिए हमेशा मरने के लिए तैयार। कितने लोग मरने के लिए तैयार है प्रभु के लिए है? ये वजन ध्यान से सुन रहे क्या? प्रभु के लिए प्रभु का चेहरा बनना है तो ये तो नाता है, ये तो नाता है। अगर ये नाता अगर आप नहीं रखता तो आप प्रभु से बहुत दूर रहेगा। पगला नाता गुरु और चेहरे का नाता है, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला ना हमारा मत्ती दस अध्याय का 24-25 चेला, चेला, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता और ना दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। देखा, मतलब एक चेले का लक्ष्य क्या है? गुरु के जैसा बनना। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो गुरु जो हमें दिखाया उसी मार्ग में, उसी आदर्श में, उसी प्रकार हमें चलना है। गुरु ने हमारे लिए क्या किया? अपना प्राण दिया। हमें भी क्या करना? प्रभु के लिए अपना प्राण देना। कितने लोग ये समर्पण में? देखो आप एक ओरिजिनल मसीह बनकर के जीना चाहते हो, एक सच्चा चेला बनकर के जीना चाहते हो, प्रियो आप सारे बात छोड़ो, आप प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार है क्या? है प्रभु का मंडली के लोग, प्रभु का मंडली बोल करके थोड़ा भी कष्ट भी सहने के लिए तैयार नहीं तो फिर मरने के बाद बहुत दूर का हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखो प्रियो इसलिए मतलब क्या है ना, सब चेहरा सेहरा बोल करके नकली चेहरा, ओरिजिनल नहीं, ओरिजिनल चेहरा प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार, प्रभु के लिए जान देने के लिए तैयार। सुनने वाला लोग थोड़ा अपने आप को छाती पर हाथ रख के देखो, मैं प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। है प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार नहीं है तो आपका दिल कहीं और बहक रहा है। जब यीशु मसीह ने मत्ती 6:24 में कहता है कोई भी व्यक्ति दो स्वामी का सेवा नहीं कर सकता है। आप देखिए पढ़िए उसको, क्योंकि मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। देखा, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकता। प्रियो आज लोगों को क्या है, उनका प्रभु धन है, उनका प्रभु धन है, धन के लिए वो कुछ भी उपाय ढूंढेगा नहीं। प्रियो मसीह लोग ये प्रभु का चेहरा ऐसा कभी नहीं कर सकता। एक सच्चा चेहरा है तो इसका मतलब परखो मैं सच्चा चेहरा है क्या, क्योंकि वही प्रभु के आगमन में जाएगा, क्योंकि वही क्रिस्ती है, वही मंडली का सदस्य है। क्योंकि चेहरा बनाने के लिए प्रभु ने भेजा चेहरे को, चेहरा ही चेहरा बना सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो खुद चेहरा नहीं है वो दूसरे को चेहरा नहीं बना सकता। इसका मतलब ये बहुत गंभीर है, फिर आपने ये बात को जानना। ऐसे नहीं है कि मैं डुबकी लिया अभी मैं प्रभु के आगमन में उड़ लिया, नहीं है ना प्रियो। आप थोड़ा रगड़ के देखो ना वजन के साथ, कोई मसीहत का गुण नहीं, बदबू आ रहा है, बदबू खुशबू नहीं आ रहा है। कितना दुख की बात है। अपने प्राण को भी जब मैंने पत्रों से एकदम यीशु मसीह की सूली की मृत्यु के बाद सुना, पत्रोस बोलता है प्रभु तुम्हें ऐसे ना होने दे, अरे तेरे लिए मैं जान नहीं देगा तो तू बचेगा नहीं है। इसके बाद प्रभु ने उसको क्या बोला, उसका मत्ती 16:24 का 24-25 वचन। यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे
देखा, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, खोएगा। जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। देखा प्रियो, आप ये बात को थोड़ा समझो। बोलेगा तो प्रभु के लिए अपनी प्राण देने के लिए तैयार है, तभी आप सच्चा चेहरा बनकर के प्रभु के साथ अनंत काल में मिल सकता है। इसलिए जो अभी तक दिल नहीं दिया ना, अभी भी हजार बार थोड़ा सोचो, प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार है तभी दिल देना, तभी आगे बढ़ करके मन बपतिस्मा लेना, जो भी करना, नहीं तो मत करो, किसी के लिए मेहरबानी मत करना। भाई सच में आपको प्रभु का चेहरा बनकर के एक क्रिस्ती बनकर जीना है तो मैं आपको बोलता हूं क्लियर कट, मैं तो 100% अभी थर्सडे को क्लास है, मैं पूछूंगा जो प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार है तभी वो प्रभु को दिल दो, नहीं तो मत दो। मरने के लिए तैयार है क्या है? इसलिए मरने के लिए तैयार नहीं है तो प्रभु को दिल मत दो। ये कोई छोटा हल्का सा बात नहीं है प्रियो, उसका मतलब पहले हमारा नाता एक गुरु चने का नाता है, एक ही बात बोलने के लिए जाएगा तो पूरा टाइम जाएगा। दूसरा बात क्या है कि पिता और पुत्र का, क्या है पिता और पुत्र का नाता। देखिए प्रियो, ये एक जन्म के द्वारा मिलने वाला बात है ना, मेरा नया जन्म अगर नहीं हुआ तो मैं ये नाता में प्रवेश नहीं किया ना। योगेंद्र के सुसमाचार 12:12-13 वजन, परंतु जितने ने उसे ग्रहण किया हाँ देखा, परमेश्वर से उत्पन्न हुआ या परमेश्वर से जन्म हुआ। प्रियो इस प्रकार का एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति को अभी परमेश्वर के साथ कैसे नाता है? पिता पुत्र का नाता, पिता पुत्र का नाता। अभी मुझे आप बताओ एक पिता पुत्र के नाता में क्या होना चाहिए? पुत्र है तो पिता का हर एक बात मानेगा, हर एक बात मानेगा है ना। इसलिए प्रभु ने मत्ती 7:21 जो मुझसे हे प्रभु हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, तो वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। देखा, मेरा स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलने वाला पिता का पुत्र सर मरा हुआ लोग ही प्रवेश करेगा। बोलेगा तो पिता का इच्छा पुत्र निभाना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। जो भी नया जन्म पाया उनके बारे में पहले योगना 3:1 में लिखा है, देखो हम परमेश्वर का संतान कहलाता है और हम ऐसा है, ऐसा है। जो भी नया जन्म पाया है वो परमेश्वर का संतान है। परमेश्वर का संतान है तो कैसे होना चाहिए? प्रभु का वचन, जब यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, यीशु मसीह के बारे में स्वर्ग ने गवाही दिया, मत्ती 3:17 वचन, देखो आकाशवाणी हुई यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। देखा, जिस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, ये मेरा प्रिय पुत्र है। प्रिय पुत्र हमेशा क्या किया उसका, माना 4:1 आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। कौन लेकर गया? आत्मा। प्रियो जो प्रिय पुत्र है वो आत्मा के द्वारा चलता है। कैसे चलता? आत्मा के द्वारा। रोमियो 8:14 नया जन्म पाया, मैंने डुक्की लिया, मैं 10 बार भी डुक्की लिया बोलने से कोई फायदा नहीं। प्रियो है यीशु मसीह प्रिय पुत्र है। यीशु मसीह को कौन मनुष्य में लेकर गया? आत्मा। तो नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति को कौन ले जाता है? पवित्र आत्मा। 8:14 पढ़िए, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हाँ देखो, अभी आप परमेश्वर का पुत्र है क्या? पिता के साथ सच्चा नाता रखने वाला कौन है? पुत्र है। पुत्र कहां रहेगा? पिता के साथ रहेगा। कितना श्रेष्ठ बात है हमारे जीवन में। आज पिता परमेश्वर के साथ अब्बा पिता कहने के लिए वो पुत्र की आत्मा में होकर के उस आत्मा में चलते हुए प्रभु की महिमा कर पा रहे क्या? पुत्र जब ये दुनिया में था हमेशा अपने मनमानी किया क्या? नहीं है ना। योगन्ना 8:29
देखा मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे आखिर नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ। कभी कभी नहीं, संडे के दिन, संडे के दिन में परमेश्वर रहता है इसलिए जाना पड़ेगा, इसलिए आता है। मंडे के दिन नहीं जाएगा तो भी चलेगा, क्योंकि आराधना नहीं है ना, ऐसे क्या रोज आराधना है, है? जिंदगी एक आराधना है। आपने क्या समझ के रखा, ये कौन बोला ऐसे संगठन करो, वो प्रभु का मंडली थोड़ी है। एक सच्चा मसीह जीवन बिताने के लिए अभी से अच्छा आरंभ बढ़ा रहे हो प्रियो, कभी भी अभी भी धोखा मत खाओ, अभी भी बात को जो समझना चाहिए समझो। यीशु मसीह बोलता है मैं कभी अकेले नहीं, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। क्यों मेरे साथ है, मैं वही काम करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है, जिससे वो प्रसन्न होता है। प्रियो हम प्रभु यीशु को पिता ने भेजा, ओ हम प्रभु की जन को जो नया जन्म पाया हुआ परमेश्वर के संतानों को कौन भेजा, प्रभु यीशु ने भेजा। योहन्ना 17:18 में देखा जैसे हम उन्हें पूरे जगत में भेजा, देखा यीशु मसीह बोलता है उधार पाए हुए लोगों को, नया जन्म पाए हुए लोगों को, परमेश्वर की संतानों के बारे में लिखा, मैं भी जैसा मुझे भेजा वैसा मैंने भेजा है। ऐसा भेजा हुआ करके कितने लोगों को विश्वास है, विश्वास है क्या? हाँ विश्वास है तो आमीन बोलेगा ना, आमीन नहीं बोलता। जो बात सच्चे है अंगीकार करता है तो क्या बोलना चाहिए, हाँ अभी भी बोलना चाहिए क्या, वो आमीन बोलो, आमीन बोलो, ऐसे बोलना क्या आपका उसमें किसी में सही नहीं, सब रिटर्न जा रहा है चेक। आप प्रभु को उसे भी बेटा, आप सुनने वाला वजन सत्य वजन एक करके अगर आप अंगीकार करता है तो आप क्या मानना चाहिए, अभी भी प्रभु मुझे बोलना पड़ेगा, मैं देखता ना अभी। इसलिए जो सत्य वजन करके आपको मालूम पड़ता है हर वजन में आमीन बोलो, तब स्वर्ग बोलेगा ये मेरा बेटा है, क्योंकि वो मेरा बातों पर विश्वास करता है, क्योंकि उसने साइन कर दिया। आपने आमीन नहीं बोला ना, चारा वजन गया कैंसर हो गया, चेक पूरा कैंसर, क्योंकि आपका साइन नहीं। तो प्रभु के वजन में यीशु मसीह ने जब योहन्ना 6:38 वजन में प्रभु ने क्या बोला, मैं मेरी इच्छा पूरा करने के लिए मैं स्वर्ग से उतर कर नहीं आया, किस लिए आया, मेरा भेजने वाले की इच्छा। प्रियो यह है एक सच्चा नया जन्म पाया व्यक्ति का दिल में एक ही उमंग है, मुझे प्रभु ने भेजा है मैं प्रभु की इच्छा पूरा करूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो आज हम किसकी इच्छा पूरा कर रहे हैं, प्रभु की इच्छा पूरी कर रहा है या अपनी इच्छा पूरा कर रहा है, हैं? आप देखो ना, आप देखो अपने आप को परखो। मैं किसी को दोष नहीं लगा रहा हूं, समझने के लिए बोल रहा हूं। पहली बात तो अगर आपका नया जन्म हुआ है तो आप वास्तव में आप उस महान सच्चा जिंदा प्रभु का बेटा बेटी है, तो फिर पिता की बात को मानने के लिए या इस वचन में लिखा हुआ ये तो एक भी बात को मानने के लिए आपको दबाव करना पड़ेगा नहीं, आप खुशी से मानेगा, आनंद से मानेगा। अगर आपका सच्चा नाता है तो सच्चा नाता रहना चाहता है तो वो पिता का इच्छा जान करके वो करने में उत्साही रहेगा, तो आपका पिता पुत्र का नाता बराबर रहेगा। आखिरी तीसरा बात क्या है, हमें जो नाता है पति पत्नी का नाता है, बहुत सब गहरी बात है। पति पत्नी का नाता प्रभु के साथ, बाप रे क्या बात है, है? दूसरा कुरिन्थी 11:2-3 वचन, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरी धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूँ। देखा एक अभी देखिए पवित्र कुमारी की नाइंद मसीह को सौंपने के लिए बोले तुम्हारा शादी होने वाला है। यहाँ पर हमारा कर्तव्य क्या है, विश्वास योगी रहना। प्रेज द लॉर्ड, विश्वास योगी रहना। मगन हो गया, अभी शादी होने जा रहा है। आप देखो प्रियो इसमें आप बोलेगा मेरा उद्धार हुआ, और तो अभी भी आपको यीशु मसीह से प्यार नहीं,
जो भी सुंदर लड़का देखता है तो तू आ जा ऐसे बुलाने वाला स्वभाव समझ में आया। जो भी देखता है वो सुंदर है। अरे ये तो यीशु से भी सुंदर है वो। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो याकोब 4:4 में क्या बोला, ये व्यभिचार नहीं हो वहां पर। ये व्यभिचार दो बातों में है, एक मानो संसार से और दूसरा कोई भी लड़का लड़की से, लड़की लड़का से, दोनों में विचार है। समझ में आया, दोनों बात में विचार है। प्रियो प्रभु यीशु के साथ नाता जोड़ने के बाद यीशु से बढ़कर अगर आपको दुनिया का कोई भी बात लगता है तो प्रभु बोलता है तू मुझे नहीं चाहिए। आज संरक्षण कर दो, आज संरक्षण कर दो। यीशु मसीह से बढ़कर आपके जीवन में अगर कोई भी बात प्रथम स्थान लेता है तो आप एक व्यभिचारी है, प्रभु को आप नहीं चाहिए। बहुत शक्ति रीति में पारखना पड़ी। प्रभु ऐसे लोगों को कभी नहीं लेगा। समझ में आ रहा है क्या? ये कोई मानव ऐसा कैसे भी चलने वाला एक जीवन नहीं। आप उसको थोड़ा स्ट्रिक्टली जान लीजिए। और आप सोचो ना, अगर आप जवान लोग अपने एक लड़की के साथ मानव मगनी हुआ और वो लड़की दूसरे के साथ घूम रहा है तो क्या बोलेगा? बाप रे वो लड़की मुझे नहीं चाहिए है? अरे अपनी मंडली में एक जवान एक के साथ शादी करने के लिए तैयार था, लेकिन उन्होंने दो तीन बार देखा वो दूसरे किसी लड़के के पीछे घूम रहा है। उसने बोला मेरे को नहीं चाहिए, मेरा बराबर है, किसी के साथ ऐसे घूमने वाला को क्यों लेगा भाई? बात समझेगी नहीं। प्रियो प्रभु देखता है, प्रभु यीशु से बढ़कर ये दुनिया में कोई भी बात में हमारा दिल भावता है तो वो दुनिया की बात हो या शारीरिक रीति का कोई बात हो, प्रियो प्रभु का वचन कहता है तू मेरे लिए प्रिय नहीं है, तू मेरे लिए योग्य नहीं है, तू मुझे नहीं चाहिए। बाप रे, आप देखो प्रियो, आप इस विषय को थोड़ा हमारा नाता देखो, क्योंकि उधार पाए हुआ सभी लोगों का मगनी हो चुका है। आज हमारे दिल में जैसा अभी आसाब ने खुद कहा मैंने 73:25 में, हाँ जल्दी पढ़ो, और कुछ नहीं चाहता मैं, सिर्फ प्रभु यीशु में तुझको ही चाहता। बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात है। हमारे जीवन में हम प्रभु से मिला रहे ना। उत्पत्ति 2:24 दो तीन वचन जल्दी पढ़ करके समाप्त करेगी। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, देखा पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे, एक ही तन बना रहेगा। प्रियो एक ही तन बना रहेगा, वो दोनों एक है। यही बात को मलमत 19 अध्याय उसका 4:5-6 दोनों एक तन होंगे, अतः अब वे दोनों ही परंतु एक तन है। इसलिए दोनों एक तन है, 5:31 समय नहीं, इसलिए जल्दी। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ अपने पत्नी से मिला रहेगा, वे दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया, देखा मसीह और कलीसिया के विषय में। प्रियो ये दुनिया का ये नाता लेकर के प्रभु हमें समझा रहे। प्रियो मंडली जीवन में आने के बाद में मंडली के कोई भी व्यक्ति को यीशु मसीह से बढ़कर के कोई भी बात अगर उसकी जीवन में प्रथम स्थान लेता है, यीशु मसीह को बाजू करता है। इसके लिए बोलने के लिए मेरे पास दृष्टांत बहुत है, समय नहीं। मैंने बोला ना एक व्यक्ति है कार में जाने के टाइम पर जो कार में बैठा हुआ, कहानी आपको याद है? प्रियो अपना प्रेमी को मिला तो सबको बाहर करके उसको बैठाया। प्रेज़ द लॉर्ड है। प्रियो प्रभु से बढ़कर हमारे जीवन में कोई भी बात है तो प्रभु बोलता है तू मेरे लिए योग्य नहीं, मैं तुम्हें नहीं चाहता। आखिर एक वचन पहला कुरिन्थी 6:17
लॉर्ड जीसस थैंक यू। और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एकात्मा हो जाता है। हाँ प्रियो, इस दुनिया में रहने के समय में ही प्रभु के संगति में रहकर आत्मा में एक बनकर प्रभु की आलोचना में जीवन बिताने वाले लोग हैं, जो सच मुच में जय भी जीवन बिता करके प्रभु के आगमन में उड़ा ले जाना लोग। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के साथ चलना प्रियो, प्रभु में बना रहना है ना, प्रभु की आत्मा में चलना, प्रभु के साथ एक बन करके रहना, प्रभु का दिल को नहीं दुखाना, कितना बड़ी बात है। 73 का 28 वचन और एक बार पढ़कर खत्म करेंगे प्रियो, हमने पहले पढ़ा था। परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। प्रियो ये हर एक भक्तों के लिए वही बात भला है प्रियो, प्रभु का निकट रहो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक दूसरे को प्रोत्साहन करो प्रियो, जो वास्तव में प्रभु का है उसको प्रभु के निकट रहने में से बढ़कर के अच्छी बात कुछ भी नहीं है, कितना अच्छी बात है। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, प्रभु ने हमको ये वचन दिया है प्रियो, ये वचन कभी जाने नहीं देना, अपने हृदय में रखना, जीवन में लाना, ताकि प्रभु के आगमन में उस तुरगी के समय में हम डूबा द्रोह के उड़ाने जाने के लिए तैयार रह पाए। प्रभु इन वचनों के द्वारा सबको आशीष दे, प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो, प्रभु इस वजन से आपको बहुत आय से आशीर्वाद करके प्रभु के लिए तैयार करें। आमीन।